महामंगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाए। कटप्पा के किरदार का होगा अंत। कैसे कटप्पा बन गए महिष्मती राजाओं के सेवक? क्या कटप्पा का एक भाई भी है? क्यों कटप्पा के किरदार का होगा अंत? फिल्म बाहुबली के कटप्पा का किरदार काफी प्रभावशाली रहा है। वो बाहुबली की दोनों ही कड़ियों में नजर आ चुके हैं। कटप्पा का पूरा नाम करिकला कटप्पा नादार है, जिसे भल्लाल देव के पिता बिज्जल देव कुत्ता कहकर बुलाते हैं। वहीं बाहुबली और भल्लाल देव के लिए कटप्पा अंकल यानी कि मामा है। बाहुबली के जन्म के वक्त कटप्पा की उम्र 35 साल थी, जो फिलहाल 85 है। कटप्पा के अतीत के बारे में अगर हम जाने तो उसके पिता मल्लप्पा के दो बेटे थे, कटप्पा और शिवप्पा। मल्लप्पा बिज्जल देव के पिता महाराजा सोमादेव के पर्सनल स्लेव यानी कि गुलाम थे। मल्लप्पा ने 25 साल की उम्र से ही सोमादेवा की गुलामी करना शुरू कर दिया था। मल्लप्पा काफी स्ट्रिक्ट इंसान है। मल्लप्पा को उसी के बेटे शिवप्पा यानी कि कटप्पा के भाई ने मार दिया था। वही कटप्पा भी अपने पिता की ही तरह 21 साल की छोटी उम्र में एक गुलाम बन गए थे। कटप्पा महिष्मती के शाही लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए। कटप्पा को सोमादेवा के दौर में राजकुमार बिज्जल देव का लॉयल स्लेव बनाया गया था। हालांकि बाद में कटप्पा बिज्जल देव के बेटे भल्लाल देव और विक्रमादेवा के बेटे बाहुबली के खास वफादार बन गए। कटप्पा का परिवार कई सालों से महिष्मती के शाही लोगों की वफादारी का काम भी निभाते हैं। वहीं जैसा कि हमने आपको भी बताया था कि कटप्पा के पिता मल्लप्पा के दो बेटे थे, शिवप्पा और कटप्पा। शिवप्पा के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता है क्योंकि इसे कभी फिल्म का हिस्सा बनाया ही नहीं गया। शिवप्पा फिलहाल जिंदा नहीं है। कहा जाता है कि शिवप्पा कटप्पा का छोटा भाई था, जिसने स्लेव बनने से मना कर दिया था और जाकर एक ट्राइब को ज्वाइन कर लिया था और उस ट्राइब का नाम था वैथालिकास। वैथालिकास के लोगों को 300 साल पहले उनके पवित्र पहाड़ यानी कि होली माउंटेन गौरी पर्वत से हटा दिया गया था। इसी वजह से ये ट्राइबल ग्रुप महिष्मती से जंगलों में रहकर लड़ते गए। शिवप्पा की बात करें तो उसने अपने भाई कटप्पा को धोखा तो दिया है, साथ ही उसने अपने पिता को भी मार दिया था। आने वाले वक्त में शिवप्पा वैथालिकास का राजा बन गया, जिसे कटप्पा ने गौरी पर्वत के ज्वालामुखी में गिराकर मार दिया था। वहीं कहा जा रहा है कि आने वाले फिल्म बाहुबली 3 में कटप्पा के किरदार को मार दिया जाएगा और ऐसा होने के पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि कटप्पा अब 85 साल के हो चुके हैं, जो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। वहीं दूसरी तरफ कटप्पा का किरदार अगर फिल्म में मर जाता है तो ये दर्शकों के बीच काफी ज्यादा हंगामा मचाने वाला है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग फिल्म को देखने पहुंच सकते हैं। एंटिसिपेशन और थ्रिल को बढ़ान देने के लिए मेकर्स कटप्पा को आने वाले दौर में किसी दुश्मनों के हाथों मरवा सकते हैं, जिसकी वजह से महेंद्र बाहुबली के सामने एक चुनौती खड़ी हो जाएगी कि आखिर वो कटप्पा के मार्गदर्शन के बिना कैसे महिष्मती को दुश्मनों से बचा पाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज़।